तो बच्चों हम विस्तास बुक का चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और हम जा रहे थे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में राइटर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रही थी हमने पढ़ा था अंटार्कटिका की हिस्ट्री के बारे में और हम ह्यूमन बींग्स की वजह से क्या क्या चेंजेस पूरे वर्ल्ड में होते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से इस पूरे अर्थ को इम्पेक्ट कर रही है ये सब हमने जाना था आगे वो अपना एक्सपीरियंस हमसे और क्या क्या शेयर करती हैं हम पढ़ेंगे और इस वीडियो में हमें चैप्टर कम्प्लीट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉक ऑन दी ओशियन अब बच्चों अब वो अपना एक और एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रही हैं कि जब वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट गई थी तो वहाँ के ओशियन पे भी उन्होंने वॉक की थी वो ओशियन पे उन्होंने खुद ने चल के वहाँ देखा था माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज़ फुल ऑफ सच ई इपी बट द बेस्ट ऑकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ तो आगे बता रही हैं कि जब वो अंटार्क्टिका गई थी वहाँ वो जितने टाइम भी रही उनका सारा जो एक्सपीरियंस था वहाँ का जितने भी उनके अनुभव थे वो बहुत ज़्यादा कैसे थे इपी फैनिस यानी बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक अनुभव थे बहुत ज़्यादा शानदार उनके वो अनुभव थे लेकिन जो बेस्ट एक्सपीरियंस था उनका वो सर्कल पे जाती हैं है? uh, है। तो कह रही है कि उन्होंने अंटार्क्टिका में बहुत ही शानदार अनुभव लिए थे एक एक एक्सपीरियंस उनका बहुत शानदार था बहुत था लेकिन जो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो वो अब उसके बारे में बता रही हैं वो एक्सपीरियंस उन्होंने कब लिया था सर्कल पे लिया था जिसकी लोकेशन क्या है 65.55 डिग्री साउथ में है द शोकल्स की पैनिनसूला एंड टेटपोल आईलैंड एनी फर्दर तो अपने बारे में वो बता रही हैं वो कह रही हैं कि जो शोकलसकी शिप था वो क्या होता है वो वेज वेज कहते हैं थोड़ी सी जगह में से जाना तो वह थोड़ी सी जगह में जाता है जहाँ पे क्या था एक वाइट स्ट्रेच था आइस का यानी कि आइस का एक छोटा सा स्ता था और वहां पे दो आइलैंड थे एक तरफ था पेनिनसुला एक तरफ था टेडपोल, दोनों आइलैंड के बीच में थोड़ा सा वाइट का वाइट यानी स्नो का रास्ता था तो वो स्नो में से वो शिफ्ट जाता है विच वॉज प्रग एज़ फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर लेकिन वो इतनी छोटी सी जगह होती है कि वो शिप जाता तो है लेकिन वो वहाँ पर फंस जाता है और इसीलिए वो प्रिवेंट हो जाते हैं रुक जाते हैं और फर्दर और आगे जाने के लिए तो इन दोनों आइलैंड के बीच में जगह इतनी नहीं होती कि इनका शिप क्रॉस हो जाए और शोकलस की वहाँ जाकर रुक जाता है द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ तो वो शिप आगे नहीं जा पाता इसीलिए जो शिप के कैप्टन थे वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अब यहाँ से टर्न अराउंड कर लेंगे वो यहाँ से टर्न ले लेंगे और अब वो साउथ में ना जाके नॉर्थ की तरफ जाएंगे क्योंकि साउथ में वो और आगे जा नहीं पा रहे थे रास्ता नहीं था तो कैप्टन डिसाइड करते हैं कि हम टर्न लेंगे और फिर से नॉर्थ की तरफ हम जाएंगे बट बिफोर वे डेट तो आगे वो बता रही हैं कि कैप्टन ने डिसाइड तो कर लिया था लेकिन जाने से पहले वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग एंड वॉक ऑन द ओशियन कह रही हैं कि लेकिन वहां से टर्न होने से पहले हम सबको इंस्ट्रक्शन मिला था हम सबको निर्देश दिया गया था कि हम क्या करें हम गैंग प्लैंक से नीचे उतरे और हम ओशियन पे वॉक करें गैंग प्लैंक बच्चों आप यहां देख सकते हैं ये जो स्टेयर्स होती हैं किसी शिप से नीचे उतरने के लिए इसे कहते हैं गैंग प्लैंक तो कैप्टन ने डिसाइड किया था कि हम शिप को टर्न करेंगे लेकिन उससे पहले उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो सभी नीचे उतरें और नीचे उतर के क्या था ओशियन था तो उन सभी को इंस्ट्रक्शन मिला कि आप लोग नीचे उतरो और आप एक्सपीरियंस करो ओशियन पे वॉक करने का सो देर वी वर तो राइटर बता रही हैं कि इसीलिए हम सब वहाँ थे और 52 टू ऑफ तो बता रही हैं कि इस पूरे मिशन पे ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आईज इसमें टोटल 52 लोग गए हुए थे वहाँ पे तो कह रही हैं कि हम जो पूरे 52 लोग थे किटेड आउट इन गो टैक्स एंड ग्लेयर्स हम सभी ने अपना किट पहन लिया था और यानी कि ओशन पर उतरने के लिए वहाँ इतनी ठंड थी माइनस में टेम्परेचर रहता है, है चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्नो रहती है, है तो वो से ही वहां नहीं जा सकते उनको पहले अपनी पूरी किट पहननी थी और किट में उन्होंने क्या क्या पहना गोटेक्स गोटेक्स बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं ये एक स्पेशल सूट होता है जो कि आपकी बॉडी को वार्म रखता है इतनी ठंड में भी तो ये उन्होंने पहना और साथ ही अपने अपने उन्होंने ग्लेयर्स पहने ग्लेयर्स बच्चों ये जो स्पेशल चश्मे होते हैं जो कि बर्फ में देखने के लिए यूज होते हैं ये सब उन्होंने पहने वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस डेम टू स्प्रेड आउट फॉर और इस तरह ऐसे अपना पूरा किट पहन के ये फाइनली ओशन पे उतरते हैं और फिर क्या देखते हैं ये ये जहां चल रहे होते हैं वो जगह कैसी थी जब इन्होंने देखा ऐसा लगा कि स्टार्क वाइटनेस है पूरी तरह से एक सफेद चादर है जैसे और ऐसा लग रहा था कि वो वाइटनेस स्प्रेड फैली हुई है फॉरएवर हमेशा के लिए यानी कि चारों तरफ जहां भी इनको नजर आ रहा था चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक वाइट शीट इन्हें दिखाई दे रही थी तो इनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ इसके अलावा और कुछ भी नहीं है चारों तरफ ये वाइट शीट फैली हुई है अंडरनीथ नी फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ नी डेट वन एटी मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर तो अब ये बता रही हैं कि जब हम वहाँ उस ओशन पे चल रहे थे तो हमारे पैरों के नीचे तो क्या था आइस पैक था आइस की लेयर थी जो कि कितनी थिक थी एक मीटर थिक थी तो ये कह रही हैं कि हमारे पैरों के नीचे एक मीटर मोटी आइस की लेयर थी और उस लेयर के भी नीचे क्या था सॉल्ट वाटर था हमें पता है ओशियन का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है तो पहले तो इनके पैरों के नीचे क्या था आइस की लेयर थी और उसके भी नीचे सॉल्ट वाटर था यानी ओशियन था और वो जो ओशियन का वाटर था वो कैसा था लिविंग और ब्रीदिंग अब वो लिविंग और ब्रीदिंग का मतलब वहाँ पे फाइनटोप्लैक्टिन थे तो उसकी वजह से वो जो प्लांट्स थे वो लिविंग थे ब्रीदिंग थे और जो मरीन छोटे छोटे से एनिमल्स थे वो वहाँ पे थे तो इस तरह पहले आइस और उसके नीचे सॉल्टी वाटर था इन दो Periferia? क्रबिटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देम सेल्व ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रेट डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ़ ए बैनियन ट्री आगे बता रही है कि जब ये वॉक कर रही थी तो इन्होंने क्या देखा इन्होंने देखा कि वहाँ जो पेरीफेरी है यानी जो आस पास का चारों तरफ का एरिया है वहाँ पे इनको क्राबेटर सील्स दिखाई दी क्राबिटर सील्स बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में ये होती हैं क्राबेटर सील्स जो कि कहाँ रहती हैं पोलर एरियाज में रहती हैं अंटार्कटिका में ये रहती तो ये क्राबेटर सील सिंह को दिखाई दी और ये सब क्या कर रही थी ये आइस फ्लोस पे इस तरह से बर्फ के और बैठी हुई थी, अपनी बॉडी स्ट्रेच कर रही थी और सन की वार्म और सन की हीट ये ले रही थी तो आगे राइटर इस चीज को कंपेयर कर रही है वो कह रही है कि ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप अप अपनी सड़कों पे गलियों में क्या देखते हैं कि जो डॉग्स हैं जो सड़कों पे रहने वाले आवारा डॉग्स हैं वो बैठे रहते हैं कहाँ बैनियन ट्री के नीचे और जिस तरह से डॉग्स बैठे रहते हैं वो अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हैं तो इस तरह से वो कंपेरिजन कर रही हैं कि जनरली जब हम अपने घर घरों से बाहर निकलते हैं तो जिस तरह से हमें रोड पर बैठे हुए डॉग्स दिखाई देते हैं वैसे ही वहाँ अंटार्क्टिका में इनको सील दिखाई दे रही थी जो कि बैठी हुई हैं अपनी बॉडी स्ट्रेच कर रही हैं और सब हीट ले रही हैं इट वॉज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ़ यिवीलेशन एवरी थिंग डज इन डीट कनेक्ट तब वो कह रही हैं कि वो सीन देख के उनको ये फिर से रिविलेशन हुआ उनको ये बात फिर से पता चली कि जो सारी चीज़ें हैं वो वापस आप वो वास्तव में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं नाइन टाइम जोन्स सिक्स चेक पॉइंट्स थ्री बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फेयर लेटर आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑफ आर प्लेनेट तो ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इनकी जो तो जर्नी थी मद्रास से अंटार्कटिका तक की उस जर्नी में इन्होंने नाइन टाइम जोन क्रॉस किए थे सिक्स चेक पॉइंट्स क्रॉस किए थे थ्री बॉडीज ऑफ वाटर क्रॉस किए थी और खूब सारे इन्होंने एकोस्पेयर क्रॉस करने के बाद ये मद्रास से अंटार्कटिका तक पहुँची थी तो वही बातें रिपीट कर रही हैं कि अपनी पूरी इस इस जर्नी के बाद ये कह रही हैं कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य कर रही थी कि जो हमारा प्लान है, जो अर्थ है उस पर जो बैलेंस बना हुआ है, बना हुआ है सब चीजों का वो बैलेंस कितना ब्यूटीफुल है इस बात पे मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा था हाउ वुड इट बी इफ अंटार्क्टिका वर्ड टू बिकम द वॉम प्लेस डेट इट वंस यूज टू बी अब आगे उनके मन में क्वेश्चन आ रहा है वो कह रही हैं कि क्या होगा अगर अंटार्क्टिका फिर से वैसा बन जाए जैसा कि ये पहले था और हमने पढ़ा था चैप्टर में पहले अंटार्कटिका एक वार्म प्लेस हुआ करता था एक गर्म जगह हुआ करता था जब अंटार्क्टिका गोडवाना का पार्ट था तो उस समय ये एक वार्म प्लेस था गर्म जगह थी तो राइटर कह रही हैं कि क्या होगा अगर अंटार्कटिका फिर से पहले की तरह हो जाए फिर से पहले की तरह वार्म बन जाए विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स मैम्स एंड वुली राइनोस तो वो कह रही हैं कि अगर ऐसा हुआ अगर अंटार्क्टिका फिर से वार्म हो गया यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया तो क्या हम आस पास रहेंगे क्या हम इस धरती पर रहेंगे ये सब देखने के लिए यानी कि तब क्या हमारा जीवन बचेगा क्या जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका अस्तित्व बना रहेगा वो देखने के लिए कि क्या होगा तब या फिर हम भी चल... चले जाएंगे हम भी इस प्लान से चले जाएंगे हम भी विलुप्त हो जाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से डायनासोर विलुप्त हो गए जिस तरह से मैमथ्स विलुप्त हो गए और जिस तरह से वोली राइनोस विलुप्त हो गए बच्चों तो हम सबको पता है जो डायनासोर थे ये पहले यहाँ पे हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे रहते थे इसी तरह से ये मैमथ्स ये भी पहले रहा करते थे इस प्लान पे हमारी अर्थ पे लेकिन अब ये भी नहीं है और इसी तरह से वली रॉनोज ये एनिमल पहले रहा करते थे लेकिन समय के साथ साथ जैसे क्लाइमेट चेंज होता रहा वैसे ही ये तीनों जो एनिमल्स हैं जो बहुत बड़े बहुत विशाल हुआ करते थे ये इस धरती से विलुप्त हो गए इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया तो राइटर कह रही हैं कि अगर अंटाक्टिका फिर से वार्म हो जाता है तो क्या हम रहेंगे इस धरती पे ये सब देखने के लिए या हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा जैसे कि डायनासोर्स का हो गया मैमथ्स का हो गया और वुल राइनोस का हो गया हु इज टू से आगे वो कह रही हैं कौन कह सकता है किसे पता क्या होगा बट आफ्टर स्पेंडिंग टू वीक्स विथ अ बंच ऑफ टीन एजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड ऑल आई कैन से इज डैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स बट वॉट ए डिफरेंस एट डे मेक्स आगे वो कह रही हैं कि इसका आंसर तो किसी के पास नहीं है कि तब क्या होगा लेकिन टू वीक्स बिताने के बाद कहाँ पर अंटार्कटिका में हमने पढ़ा था पहले भी ये टू वीक्स के लिए वहाँ रही थी तो ये कह रही हैं कि मैंने जो टू वीक्स का समय यहाँ पर बिताया है और किसके साथ उनके साथ बाकी स्टूडेंट्स भी थे अलग अलग जगह के तो वो कह रही हैं कि जो टीन का हम हमारा जो ग्रुप था जो बंच था हमारा जो हम सब ने वहाँ पर टू वीक वीक्स बिताए थे और हम स्टूडेंट जो हैं वो कैसे होते हैं हम एक ऐसी एज में होते हैं जब हमारे पास एक आइडियलिज्म है एक पर्पज होता है एक, एक लक्ष्य होता है कि हम अपनी धरती को बचाएंगे ऑल आई कैन से तो इस टू वीक्स को बिताने के बाद अगर मैं कुछ कह सकती हूं तो अपने एक्सपीरियंस से मैं यही कह सकती हूँ कि जो वन मिलियन ईयर का टाइम है उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं लेकिन जो एक दिन का एक्सपीरियंस है वो भी आपकी लाइफ को चेंज करके रख सकता है तो बच्चों राइटर का कहने का ये मतलब है कि जो उन्होंने टू वीक्स वहाँ पर बिताए थे और उनके साथ उन्हीं की एज के टीन बच्चे थे जो कि हाई स्कूल में पढ़ा करते थे और वो जो बंच था वो जो ग्रुप था वो ऐसे बच्चों का था जो अपने एक ऐसी एज में थे जहाँ वो नई नई चीज़ों को देख रहे थे समझ रहे थे और सच में वो सोच रहे थे कि इस धरती को क्या होता जा रहा है अगर हमने अपनी एक्टिविटीज़ नहीं सुधर अगर ह्यूमंस ने नेचर को डिस्ट्रॉय करना बंद नहीं करा तो सच में ये धरती का एक दिन अंत हो जाएगा ये प्लेनेट का एक दिन पूरी तरह से प्लेनेट नष्ट हो जाएगा तो वो कह रही हैं कि जो वन मिलियन ईयर का टाइम होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं हमने पढ़ा था कि पहले कैसे गोडवाना था बाद में धीरे 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 कैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनते गए उसी तरह से पहले किस तरह के क्रिएचर्स यहाँ पे रहा करते थे लेकिन टाइम के साथ साथ कैसे कैसे ये खत्म होते गए तो जो वन मिलियन ईयर का टाइम होता है वो बहुत बड़ा होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं लेकिन वो कह रही हैं कि अगर आप चीज़ों को देखते हो समझते हो जानते हो तो आप रियलाइज़ कर सकते हो कि एक दिन का एक्सपीरियंस भी आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है अगर आपने यहाँ पर आके एक दिन बिता लिया और आपने खुद ने एक्सपीरियंस कर लिया कि एक्चुअल में अंटार्कटिका में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी तो आपके मन में सच में वो फीलिंग अपने आप आ जाएगी कि हाँ हमें अपनी अर्थ को बचाना है हमें कैसे भी करके अपनी एक्टिविटीज़ को इस पॉल्यूशन को कंट्रोल में करना है तो बच्चों यहाँ पर चैप्टर कम्प्लीट होता है बहुत अच्छा चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें देता है नॉलेज हमें देता है और साथ में ही हमें इस बात के लिए इंस्पायर करता है कि हम अपना पॉल्यूशन कम करें हम ये धरती जो प्लानेट है ये हमारे लिए ही है और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे बनाए रखें और हमारी एक्टिविटीज़ किस तरह से प्रभावित कर रही हैं अंटार्टिका के क्लाइमेट को और अंटार्क्टिका के क्लाइमेट की वजह से पूरा अर्थ जो है वही संकट में आ गया है तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू